सिरसा के डबवाली रोड स्थित संत कबीर वाटिका में कबीर मानव सदन सिरसा की तरफ से संत शिरोमणि कबीर की 626वीं जयंती की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद सुनीता दुग्गल और वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने संयुक्त रूप से संत कबीर की प्रतिमा का अनावरण किया और विशाल शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस मौके पर गोविंद कांडा ने आयोजकों को 51,000 रुपए का आर्थिक सहयोग दिया और वाटिका में नगर परिषद की ओर से शौचालय व स्नानागार बनवाने की घोषणा की। अपने स्थान पर बिठाते लिए जब भी आपके लिए आपके परिवार के लिए इसके लिए मैं हमेशा तन मन धन से तैयार हूँ, क्योंकि काफी टाइम है, बहन जी ने भी बोलना है, आगे भी बहन जी ने जाना है, 2-3 जगह तो मैं मेरे परिवार में हूँ, जब सुख दुख में मैं आपके साथ हूँ। मैं मेरी तरफ से आज जयंती के लिए 51,000 रुपये की जयंतियों में खर्चा लगता है, ठीक है, एक संस्था होती है, राजू बहुत कोशिश करता है और राजू के बहुत पैसे भी लगेंगे, क्योंकि समाज को इकट्ठा करना, समाज के साथ चलना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो उसके अंदर मेरा भी थोड़ा सा सहयोग हो जाएगा। मैं 51,000 रुपये देने की घोषणा करता हूँ और मैं तन मन धन से आपके बीच में हाजिर हूँ। और बहन जी संत कबीर जी के लिए जो मैं फिर उसके लिए खेद करता हूँ, मूर्ति मैंने रातों रात राजू से मंगवा दी, रातों रात मैंने यहाँ लगवा दी और आज जो कबीर पार्क के नाम वाटिका के नाम से जो मैंने इनसे वायदा किया था वो बहन जी मैं लेटर लेके आया हूँ। हम ये लेटर आज हम समाज को संत शिरोमणि कबीर साहब की संत कबीर जी के नाम से वाटिका के नाम से ये आपको समाज प्रशासन की तरफ से राजू जी ने मुझे फिर फोन किया, कहते बहन जी वो कबीर कुटिया हमने कबीर जो वाटिका रख तो दिया, आपको दिक्कत तो नहीं आएगी। मैं कहा वो पहले वाली दिक्कत को ही रो रहे हैं कि जी हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, चिंता ना करो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मैं फिर से हमारे भाई गोविंद जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये लोकल बैठे होते हैं तो लोकल एकदम से मामला सारा जो है वो अपने आप हैंडल हो जाता है। दूर से आप फोन करते हो तो कई बार फोन लगता है, कई बार नहीं लगता है, कई बार मैं बिजी होगी, कई बार अफसर बिजी होगा, तो इसलिए लोकल रहते हुए फटाफट इन्होंने जिस तरह से मामले को संभाला, तो मैं बहुत बहुत एक बार फिर से हमारे भाई गोविंद जी को धन्यवाद करती हूँ और राजू जी को इनके संघर्ष के लिए कि आपके लिए कैसे ये दिन रात आगे लगे रहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमें अपने आप को खुश नसीब समझना चाहिए कि हम उस संत कबीर के जो है वो वंशज हैं, उन संत कबीर की हम लोग पीढ़ियां हैं जिसके बारे में कितने ही ग्रंथ आप लिख लो तो कम है, एक एक श्लोक के ऊपर जिनके पीएचडी की जा सकती है, ऐसे संत कबीर के वंशज हम लोग हैं, तो हमें अपने आप के ऊपर इस बात के लिए गर्व होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यहाँ पर आती है कि हम जो भी वो कह के गए हैं उनका पालन नहीं